मानते हैं कि थोड़ा सा गैप जो है इस बार ज्यादा हो गया बड़े पर्दे से, दूरी कुछ ज्यादा हो गई? यस, पिछले दो साल में मेरी सिर्फ दो फिल्में आईं। ऐसा नहीं है कि मैंने गैप किया, मैंने फिल्में बहुत सारी करी। मेरी अभी रिलीज पे 6 फिल्में हैं रिलीज पे। आई डोंट नो क्या स्थिति रही कि फिल्में रिलीज, चूँकि लॉकडाउन के बाद थिएटर्स बिल्कुल भी चालू नहीं थे, सैटेलाइट पे आ गई इंडस्ट्री हमारी, जो टीवी पे हम अभी हम सीधा वर्ल्ड टीवी प्रीमियर करते हैं। सो उसके बाद जब वो एक वो टीवी पे लाइन लगी हुई है फिल्मों की, बाहर सी आई हुई है फिल्मों की, तो डेट मिलने में इतना वक्त लगा कि अभी जाके मेरी एक फिल्म रिलीज हुई सौगंध भोलेनाथ की, और अभी मेरी और 5 फिल्में रिलीज पर हैं। सो गैप मेरी तरफ से नहीं हुआ, वो गैप रिलीजिंग की वजह से हुआ। सो मुझे एक सवाल, सुपरस्टार से दूरी क्यों, बड़े स्टार्स के साथ रानी चटर्जी की फिल्में क्यों नहीं आ रही हैं? स्टार्स के साथ मैं क्लोज कब थी, कभी देखा मुझे नहीं, लेकिन एक जमाने में तो आपकी जोड़ी सुपर डुपर हिट हुआ करती थी, बड़े-बड़े लोगों के साथ। वो लोग न्यूकमर थे तभी वो लोग न्यूकमर थे। इनफैक्ट खेसारी जी हो, पवन जी हो, या फिर दिनेश जी हो, या जितने भी हमारे एक्टर, विराज भट्ट हो, जितने भी ऑलमोस्ट एक्टर हैं, इन सब के साथ मेरी फिल्में तब हुई जब ये लोग नए थे। जब ये लोग स्टार्स बने, इनकी फेवरेट हीरोइंस आ गई, और अनफॉर्चुनेटली मैं किसी की फेवरेट रही नहीं कभी। सो मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, आप देख रहे हैं बिंदास भोजपुरी, रानी चटर्जी क्वीन ऑफ भोजपुरी सिनेमा मेरे साथ है नए सॉन्ग के लॉन्चिंग के मौके पर। रानी जी क्या चल रहा है गानों के अलावा? फॉग का जवाब मत देना प्लीज। किसका? फॉग का जवाब मत देना, फॉग चल रहा है? फॉग नहीं चल रहा है मेरी जिंदगी में, बहुत ही लाइट है, बहुत ही सवेरा है, सूरज की किरणें छाई हुई हैं, और नो डाउट काम चल रहा है। अभी मैं 2 महीने की छुट्टी पे थी, अभी मैंने अपना एक टेलीविजन शो कंप्लीट किया मस्त मौली दंगल टीवी के लिए, उसके बाद मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया था। अभी मैं 16 से बस्ती में शूटिंग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी नई फिल्म की। फिल्में हैं 5-6 फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट करनी है, साथ में एक टीवी शो भी कर रही हूँ। सो है, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। छोटे पर्दे पर जब लोगों ने रानी चटर्जी को देखा तो लोग समझ रहे थे कि शायद अब क्वीन जो है वो छोटे पर्दे पर राज करने आई है, टीवी की बात कर रहा हूँ। नो डाउट मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला टीवी से, नेगेटिव रोल किया मैंने, जबकि मैंने कभी भी पर्दे पर नेगेटिव रोल नहीं किया था। नेगेटिव रोल में भी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और उसके बाद अनगिनत टीवी शोज आए मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, चूँकि मैं क्या कहते हैं आज़ाद पंछी हूँ तो मुझे वेब सीरीज़ भी करनी है, मुझे फिल्में भी करनी है। सो अभी टीवी भी मैंने साइन किया है और फिल्में भी कर रही हूँ। फिल्में किन किन के साथ हैं और कौन कौन सी आने वाली हैं? अभी मेरी 16 से शुरू हो रही है जेठ जेठानी देवर देवरानी, मंजुल ठाकुर जी की फिल्म है। उसके बाद फिर मैं अपनी जीजाजी की फिल्म करूंगी, जिसका टाइटल अभी तक फाइनल नहीं है। एक टेलीविजन शो मेरा शूट शुरू होने वाला है अक्टूबर में, जो रेगुलर रहेगा, वो मुझे लगता है कि जब उसकी लॉन्चिंग होगी तभी उसके बारे में मैं बताऊंगी। एंड उसके बाद फिर निशांत उज्जवल जी की फिल्म है, देन यह बहुत सारी फिल्में लाइनअप है, लाइनअप है जनवरी फरवरी तक लाइनअप है फिल्में मेरी अभी, तो मुझे भी याद नहीं रहता ठीक से। रानी चटर्जी ये मानते हैं कि थोड़ा सा गैप जो है इस बार ज्यादा हो गया बड़े पर्दे से, दूरी कुछ ज्यादा हो गई? यस, पिछले दो साल में मेरी सिर्फ दो फिल्में आईं। ऐसा नहीं है कि मैंने गैप किया, मैंने फिल्में बहुत सारी करी। मेरी अभी रिलीज पे 6 फिल्में हैं रिलीज पे। आई डोंट नो क्या स्थिति रही कि फिल्में रिलीज, चूँकि लॉकडाउन के बाद थिएटर्स बिल्कुल भी चालू नहीं थे, सैटेलाइट पे आ गई इंडस्ट्री हमारी, जो टीवी पे हम अभी हम सीधा वर्ल्ड टीवी प्रीमियर करते हैं। सो उसके बाद जब वो एक वो टीवी पे लाइन लगी हुई है फिल्मों की, बाहर सी आई हुई है फिल्मों की, तो डेट मिलने में इतना वक्त लगा कि अभी जाके मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई सौगंध भोलेनाथ की, और अभी मेरी और 5 फिल्में रिलीज पर हैं। सो गैप मेरी तरफ से नहीं हुआ, वो गैप रिलीजिंग की वजह से हुआ। सो मुझे लगता है कि बैक टू बैक आएंगी चीजें। बिल्कुल, काम करने के मूड में रानी चटर्जी नजर आ रही है। एक सवाल, सुपरस्टार से दूरी क्यों, बड़े स्टार्स के साथ रानी चटर्जी की फिल्में क्यों नहीं आ रही हैं? स्टार्स के साथ मैं क्लोज कब थी, कभी देखा मुझे नहीं, लेकिन एक जमाने में तो आपकी जोड़ी सुपर डुपर हिट हुआ करती थी, बड़े बड़े लोगों के साथ। वो लोग न्यूकमर थे तभी वो लोग न्यूकमर थे। इनफैक्ट खेसारी जी हो, पवन जी हो, या फिर दिनेश जी हो, या जितने भी हमारे एक्टर, विराज भट्ट हो, जितने भी ऑलमोस्ट एक्टर हैं, इन सब के साथ मेरी फिल्में तब हुई जब ये लोग नए थे।
जब ये लोग स्टार्स बने इनकी फेवरेट हीरोइंस आ गई और अनफॉर्चुनेटली मैं किसी की फेवरेट रही नहीं कभी। सो क्यों, आखिर क्या दिक्कत थी रानी चटर्जी की? अगर जो जोड़ी है, जब वो लोग नए थे, जब उन्हें जरूरत थी किसी बड़े नाम के, एस्टेब्लिश नाम के साथ आगे बढ़ने की, तब रानी चटर्जी उनके साथ फिल्में करती थी। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा सोच के फिल्म की कि उन्हें ज़रूरत है। मेरी फिल्मों में देखिए, मेरी फिल्में हमेशा से फीमेल ओरिएंटेड रहीं। ऐसा नहीं है कि बाद में फिल्में नहीं आई उनके साथ, लेकिन मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा से ये रही कि हीरो डजंट मैटर मेरे लिए रहा है। मेरे लिए मैटर रहा है कि मैं किस कहानी पर काम कर रही हूँ और उस कहानी में मैं क्या कर रही हूँ। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तो वो लोग उस फिल्म का, जैसे खेसारी जी नागिन का हिस्सा बने, तो नागिन इट्स मींस नागिन मैं कर रही थी नागिन। ओके, पवन सिंह की जो पहली फिल्म मेरे साथ थी वो थी तोहार नहीं के कोनो जोड़ दो बेजोड़ बाड़ू, इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म। दिनेश जी के साथ जो पहली फिल्म थी लागल रहे राजा जी, इट्स अ टाइटल रोल। तो सबके साथ मेरी फिल्में ऑलमोस्ट तभी आई जब मैंने खुद के रोल के लिए काम किया है। उसके बाद अभी देखिए, अभी भी जब अगर उनके साथ फिल्में आएंगी मेरे पास, तो उनकी फिल्मों में मुझे लगता नहीं है कि हीरोइन के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो मैं नहीं करती हूँ। ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो लोग नहीं करना चाह रहे हैं या मैं नहीं करना चाह रही हूँ, बट मुझे लगता है कि ये रोल को लेकर जो चीज़ें रही हैं ना, जो मैं चूज ही रही कि नहीं मेरा रोल महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपने जिन नामों का जिक्र किया उसमें से एक नाम खेसारी लाल का आपने लिया। खेसारी लाल यादव के साथ रिसेंटली ये हुआ है कि वो अगले दो साल सिर्फ एक म्यूजिक कंपनी के लिए गाने गाएंगे, और इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं रानी चटर्जी? क्या हाँ बिल्कुल, ये बहुत बुरा हुआ एक्चुअली। मैंने वो इंटरव्यूज देखे, मैंने न्यूज़ देखी, मुझे लगता है कि ये सारी मिस्टेक ना खेसारी जी की टीम की तरफ से हुई है। कोई भी एक्टर को इस तरह से बंधना नहीं चाहिए, और जो भी कंपनी है या जो भी इनके एग्रीमेंट्स हुए होंगे, एक एक्टर को बांध देना इट्स इज़ वेरी सैड। बट मुझे लगता है कि खेसारी जी इतने टैलेंटेड हैं कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वो दो साल अगर उस कंपनी के साथ भी गाएंगे तो हिट्स ही देंगे। सो मुझे लगता है कि अभी जब हो गया ये चीज़ें तो थोड़ा कामली उनको काम करना चाहिए, लेकिन हाँ उनकी टीम को इस बात का ध्यान देना चाहिए था। अगर कुछ बुरी खबरें हैं तो एक अच्छी खबर भी है, खेसारी लाल पवन सिंह एक साथ आए, गले मिले और कहा कि दुश्मनी खत्म हो गई। अच्छी बात है, मेरे सामने ही हुआ था ये। हाँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ उस चीज़ की, और मेरे सामने ही हुआ था, और अच्छी बात है, तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। और उन दोनों का झगड़ा वैसे भी बहुत ज़्यादा कभी भी सीरियसली ना मैंने लिया ना इंडस्ट्री वालों ने लिया, क्योंकि हमें पता था कि जिस दिन दोनों सामने आएंगे वो दोनों मिल जाएंगे। चलिए रानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच।